घर की सफाई, शॉपिंग और दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, मेहमान भी चले गए, तो क्या अब हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए? भ्रम मत पालिए, क्योंकि जितने पटाखे आपने या आपके पड़ोसियों ने फोड़े हैं उसका असर आबोहवा पर दिखने लगा है। आबोहवा दिन पर दिन खराब हो रही है, हवा का रुख बदल रहा है और ठंड के चलते हवा में नमी बढ़ रही है, जो आने वाले समय में आपकी सांसों में तकलीफ बढ़ाने वाली है। नमस्ते, मैं हूं अंकित और आप हैं मंच पर। दिवाली के दो दिनों बाद भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब बनी हुई है। दिल्ली NCR की हवा मंगलवार की तुलना में बुधवार की सुबह थोड़ी बेहतर हुई। मंगलवार को जहां दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब था, वहीं बुधवार की सुबह कुछ इलाकों में एयर पोल्यूशन में कमी आई और एयर पोल्यूशन खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बुधवार की सुबह दिल्ली के ITU में एयर पोल्यूशन 268 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में AQI 342 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है, जबकि नोएडा में खराब श्रेणी यानी 271 के आसपास और गुरुग्राम में बहुत खराब श्रेणी यानी 300 से ज़्यादा पॉल्यूशन का स्तर मापा गया। CPCB के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल दिवाली के दिन AQI 382 दर्ज किया गया था, जबकि साल 2020 में 414, 2019 में 337, 2017 में 319 और 2016 में 431 दर्ज किया गया था। दिल्ली में सोमवार शाम 4 बजे 24 घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो निकाला गया, उसमें दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर 312 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो पिछले 7 साल में दिवाली के दिन दूसरी सबसे बेहतर एयर क्वालिटी थी। इससे पहले साल 2018 में दिवाली के दिन AQI 281 दर्ज किया गया था। लेकिन हवा का यह स्तर भी आपकी सांसों को तकलीफ पहुंचाने के लिए काफ़ी है। दिवाली के दो दिन बाद पॉल्यूशन से हालात खराब हैं। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में UP के 6 शहर शामिल हैं। इसमें लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, बरेली और गाजियाबाद जैसे शहर हैं। इनमें गाजियाबाद, जो कि NCR का ही एक हिस्सा है, वह सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। हालांकि इसके अलावा 34 ऐसे शहर भी हैं जहां हवा की क्वालिटी खराब है, यानी जहां पर 300 से कम पॉल्यूशन का स्तर है। CPCB के मुताबिक बुधवार की सुबह 9 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में एयर पॉल्यूशन 273 दर्ज किया गया, तो आगरा के संजय पैलेस क्षेत्र में 287, बरेली के राजेंद्र नगर क्षेत्र में 252, गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 331, गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 240, कानपुर के नेहरू नगर क्षेत्र में 268, वहीं मेरठ के पल्लवपुरम में 258 दर्ज किया गया है। चलिए जानते हैं कितना AQI आपकी सांसों को कितना असर डालता है। AQI अगर 0 से 50 के बीच है तो एयर क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, 51 से 100 के बीच होने पर भी ठीक मानी जाती है, 101 से 200 के बीच एयर क्वालिटी होने पर पॉल्यूशन अच्छा नहीं माना जाता, वहीं 201 से 300 के बीच के कैटेगरी एयर क्वालिटी के हिसाब से खराब मानी जाती है, 301 से 400 के बीच की कैटेगरी बेहद खराब मानी जाती है, वहीं 401 से 500 के बीच की एयर क्वालिटी बेहद खतरनाक मानी जाती है।